Hello students. Now in this video tutorial, we'll be dealing with tools and techniques, methods in biology. Actually, this topic, methods in biology, is the 13th topic of CSIR UGC NET Life Sciences syllabus. Moreover, this topic is of great importance in the examinations like ICMR NET, like ARS NET, and other exams like GATE Life Sciences and GATE Biotechnology exams. Moreover, as per the CBCS syllabus of various Indian universities, it is a topic of importance in the special paper of Cell and Molecular Biology. Moreover, other branches of biology also. So, in today's tutorial, we'll be dealing with what? We'll be dealing with all the aspects combined together. As far as this is concerned, it will consist of two or three video lectures in which I'll be dealing with all the aspects of the tools and techniques of cell biology, molecular biology, and biochemistry. And after that, we'll be dealing with the individual topics of this portion of biology. Now, this is important for cell biology, molecular biology, biochemistry, biotechnology, etc. अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है ये आपके CSIR NET के सी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? बेसिकली पहले ही मैंने आपको बताया था दैट दिस विल इन्वॉल्व अ प्रिल्यूड टू एवरी डिटेल्स ऑफ द पोर्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन फ्यूचर. अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा कि पूरे इस टॉपिक में, इस पूरे सब्जेक्ट में, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले क्या हैं. अब ये करते क्यों हैं, वाई? आप जानते हैं कि हाउ इज बायोलॉजिकल साइंसेज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज. फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंसेज. इन फिजिकल साइंसेज यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एंड देन स्टार्ट योर रिसर्च. मींस बिफोर गोइंग फॉर हैंड्स ऑन यू माइट थिंक अबाउट समथिंग ऑन पेन एंड पेपर और योर माइंड, बट इन बायोलॉजी यू कैनॉट स्टार्ट अ रिसर्च अंटिल यू हैव अ मॉडल, है ना. जब तक आपके पास वो स्पेसिमेन नहीं है या उस चीज़ की जानकारी नहीं है या चीज़ आपके सामने नहीं है, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है इसका, ये COVID-19 डिजीज़. इस वायरस के बारे में मे बी इंडिया में जनवरी से पहले कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन अचानक से ये डिजीज़ आया तो पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में क्यों, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका रिसर्च शुरू हुआ. और जो भी पता चला इसके आने के बाद पता चला, इसके आने से पहले किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था. अब टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या करेंगे हम, इसमें हम डील करेंगे उन चीज़ों से जिन चीज़ों से हम सैंपल को बाहर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर बहुत सारे उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. उनके कंस्टिट्यूएंट्स में उनके ऑर्गेनियल्स हो सकते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट्स में उनके मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं. सबका एनालिसिस करने के लिए वी हैव टू टेक देम आउट ऑफ द सेल, है ना. और आपको मालूम है यूकैरियोटिक सेल्स में इट इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, एवरी कंपार्टमेंट हैज़ अ स्पेशलिटी, है ना. टू डील विद दैट स्पेशलिटी और टू स्टडी दैट स्पेशलिटी यू नीड टू टेक आउट दैट कंपार्टमेंट एंड यू टेक आउट दोज थिंग्स आउट ऑफ दैट कंपार्टमेंट एंड देन यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट. तो उनके लिए जो बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए उसके बारे में हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे. तो हम आज ये आउटलाइन शुरू कर रहे हैं, एक दो लेक्चर्स इसका इस आउटलाइन में जाएगा. तो सबसे पहले ये टूल्स एंड टेक्निक्स या मेथड्स इन बायोलॉजी, इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज़ यूज्ड फॉर थ्री पर्पसेस. एक हम लेंगे इसमें, सबसे पहला हमारा होगा एनालिटिकल पर्पसेस, ये हमारा हो गया एनालिटिकल पर्पसेस.
उसके बाद लेंगे हम कैरेक्टराइजेशन पर्पसेस। और तीसरा हमारा होगा मैनिपुलेशन पर्पसेस। अब एनालिटिकल पर्पसेस मतलब इससे हम क्या समझते हैं? What is the meaning of analytical purposes? When you say that you are going to analyze for something, for example, you are going to analyze that a particular cell or tissue contains how many enzymes or how many proteins of different types, or what is the structure of a protein present in a cell, a particular protein, तो ये सब analysis में आएगा। Characterization में भी similar चीज़ें आएगा। For example, you are going to characterize what are the functional groups present in different organic compounds present in the cells of a particular tissue. Manipulation purpose, genetic engineering में for example आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि इसमें क्या होगा, recombinant DNA बनाने के लिए एक जेनोम को आप आइसोलेट करेंगे, उस जेनोम को आइसोलेट करने के बाद उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप वहाँ से कट आउट करके उसको एक दूसरे जेनोम में जाके उसको ऐड करेंगे, है ना? तो दीज आर मैनिपुलेशन पर्पसेस। ऑन द होल ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये इन टेक्निक से ही अल्टीमेटली आएगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो तीन पर्पस है हमारा, है ना, इन तीन पर्पसेस का क्या होगा, मतलब दिस इज यूज फॉर दीज थ्री पर्पसेस, इसके बाद किसका ऑफ से सेल ऑर्गेनियल्स और से बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, ये तीनों प्रोसेसेस आप इन तीनों चीज़ों को लेकर कर सकते हैं। तो हमारा इसका यूज है ये तीन, और ये तीन किसके लिए, सेल ऑर्गेनिल्स और बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद इसमें क्या आता है, व्हाट डज दिस इन्वॉल्व, तो इट इन्वॉल्व्स दो चीज़ें, एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। I suppose that you are aware of this term qualitative and quantitative, like you might have studied in lower classes or even in this class, qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative analysis matlab hai, pehle main quantitative batata hu. Quantitative analysis means that you are analyzing such properties which you can demonstrate by means of units as well as dimensions. Jaise if I ask you what is your weight or what is your height, hai na, aap bata sakte hai iska, your weight is say 50 किलोग्राम्स, है ना, तो 50 यूनिट हो गया और किलोग्राम्स उसका डायमेंशन हो गया। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप हाइट बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर हाइट इज 5 feet 5 inches, है ना। लेकिन क्वालिटेटिव टेक्निक्स में अगर हम आते हैं, जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं, है ना, तो आप इसका कोई डायमेंशन नहीं बता पाएंगे, है ना। कैसा डायमेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जैसे छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए आप अपनी मदर से कितना प्यार करते, तो हम इतना प्यार करते हैं, व्हाट इज़ दिस इतना, है ना। हम कभी नहीं कहते कि हम अपने मम्मी से 100 किलो प्यार करते हैं और अपने पापा से 90 किलो प्यार करते हैं, तो ये कुछ इसका हुआ नहीं, दिस इज़ अ क्वालिटी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एज पूछा तो दैट विल बी अ नंबर, है ना, लेकिन पूछा हाउ फेयर यू आर तो दैट विल बी अ क्वालिटी, है ना। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या करेंगे, दिस इज़ यूज फॉर व्हाट, used for, इसमें भी लेंगे हम दो चीजें,
और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम क्या पता लगाते हैं, यूज फॉर व्हाट, इसमें हम पता लगाएंगे एक चीज। तो यहां पर हम लेते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने पता लगाया, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हमने यूज किया इसमें फॉर डिटेक्शन ऑफ मियर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मॉइटीज इन अ गिवन सैंपल। फिर एक दूसरा एप्लीकेशन है इसका, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। जैसे किसी बायोमॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे एक प्रोटीन है ना, एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, वो अपने किस कॉन्फॉर्मेशन में है, दिस विल बी अ क्वालिटेटिव स्टडी। अब अगर हम देखें क्वांटिटेटिव स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, है ना, इट इज यूज फॉर व्हाट, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स और कंसेंट्रेशन और एक्टिविटी। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सैंपल में कितना है उसका पता हम कंसेंट्रेशन से नहीं, उसकी एक्टिविटी से पता लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ व्हाट डज दीज थिंग इनिशियली रिक्वायर, है ना, ये जो हम पता लगा रहे हैं इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब इस इनिशियल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल रिक्वायरमेंट हियर मींस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक दैट आउट आर सैंपल, है ना। तो इट इनिशियली रिक्वायर्स सैंपल विच मे बी ए टिश्यू, है ना। तो ये सैंपल हो सकता है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और माइक्रोब्स, जैसे एक बैक्टीरियल कल्चर, इनसे हम अपना सैंपल आइसोलेट कर लेंगे। इसका डिटेल्स हम फर्दर जब इंडिविजुअल टेक्निक्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। जैसे एनिमल टिश्यू, जैसे प्लांट टिश्यू को यू कैन प्लक आउट अ लीफ ऑफ अ ट्री, है ना, एंड यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम दैट। बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन एनिमल मॉडल्स, है ना, एनिमल टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू एनालाइज सम एंजाइम्स और समथिंग फ्रॉम से लिवर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल विच कैन बी माइस, है ना, यू विल हैव टू सैक्रीफाइस दैट माइस, देन यू विल हैव टू डिसेक्ट इट आउट, डिसेक्ट द लिवर आउट, एंड यू विल फर्दर प्रोसेस टू गेट द टिश्यू। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आफ्टर गेटिंग द टिश्यू, यहां पर मल्टीपल एरोज का मतलब है हमने प्रोसेसिंग भी कर लिया यहां पर। व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो फॉर फ्रैक्शनेशन, यू विल गो फॉर फ्रैक्शनेशन। अब जब आप फ्रैक्शनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज डन बाई पहले आप इसका होमोजेनेट बनाएंगे द
तब यहां पर आएगा होमोजेनाइजेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, दिस इज एन ओवरव्यू। इसके बाद हम हर एक इंडिविजुअल टेक्निक्स के डिटेल में जाएंगे हमारे फोर्थ कमिंग वीडियोस में। होमोजेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू सैंपल्स, नाउ दिस इज फॉलोड बाय सम प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट ऑफ विथ अ वेरी रूटीनली यूज्ड प्रोसेस इन वेरियस बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इन टॉपिक्स को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है, मे बी ऑफ टू टाइप्स। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस दो तरह का हो सकता है। अब किन दो तरह का होगा ये? एक होगा डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा होगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इन प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स में हम यूजुअली इनिशिएट करते हैं डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा होगा मेसेलसन एंड स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन समझाने के लिए उन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट है व्हाई आर दे यूज्ड, है ना, इनका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दे आर परफॉर्म डन फॉर आइसोलेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां आता है। तो ये डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन दे आर डन फॉर आइसोलेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब इन फ्रैक्शंस को दीज फ्रैक्शंस आर सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसेस, जिसमें प्यूरिफिकेशन वगैरह आता है, तो इसको हम आगे डील करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद जो हमने कहा था कि फर्दर प्रोसेसिंग करना होगा टिश्यू का, उस प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यूरिफिकेशन। नाउ हाउ इज प्यूरिफिकेशन डन? प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट? प्यूरिफिकेशन ऑफ द सैंपल्स जिसका आप एनालिसिस करेंगे, वो बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनियल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। द प्यूरिफिकेशन दिस इज डन बाई बायोफिजिकल टेक्निक्स। बायोफिजिकल टेक्निक सच एज
इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमैटोग्राफी, नाउ दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस involves separation of molecules, to be specific, biomolecules under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू वॉट? थ्रू अ मैट्रिक्स. नाउ इट विल यूज अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय polymerization of agarose, dextran, polyacrylamide, etc. Basically, filtration इसी के अंदर से होता है, है ना? They act as molecular sieves. अब इनमें जो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, बायोमॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, वो किस तरह से होंगे? इन विच मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू देयर चार्ज. मॉलिक्यूल सेपरेट गेट सेपरेटेड ड्यू टू देयर चार्ज. एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक mobility due to their charge and electrophoretic mobility. इसका मतलब क्या है? What do you mean by electrophoretic mobility? Electrophoretic mobility का मतलब होता है the ability to move under the influence of electric field. ये variable होता है for different substances. अब ये जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट होगा, मोबिलिटी जो होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? नाउ देयर मूवमेंट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ. आप क्या सोच सकते हैं, क्या क्या हो सकता है?
तीन बेसिक चीजें होंगी यहां पर, साइज, मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोसेस से डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं और जिन डीएनए सैंपल्स का हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक दैट द साइज ऑफ डीएनए इज सेम एंड मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो सेम, कैन द डिफरेंट सैंपल्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन? येस दे कैन, बिकॉज डीएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, सर्क्यूलर डीएनए, एंड सर्क्यूलर डीएनए कैन बी रिलैक्स सर्क्यूलर और से सुपरकॉइल डीएनए। तो तीनों का मूवमेंट, ये दोनों पैरामीटर सेम होने के बावजूद अगर ये पैरामीटर अलग हुआ तो उनकी मोबिलिटी में डिफरेंसेस आ जाएंगे। नाउ दिस क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक involves partitioning of solutes, partitioning of solutes between two phases. Between two phases. One phase is known as the mobile phase and the other phase is known as stationary phase. Mobile phase and stationary phase. नेक्स्ट, ये पार्टीशनिंग तो हो गया, इसके बाद क्या? दिस पार्टीशनिंग इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू देयर से डिफरेंशियल इंटरैक्शंस, due to their differential interactions within the phases. Due to their differential interaction within the phases. Leading to separation of components according to
मॉलिक्यूलर वेट, कॉन्फॉर्मेशन, एंड साइज। जब हम इन टेक्निक्स का डिटेल्स पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू द डिफरेंस। हम इससे भी यही निकाल रहे हैं, इससे भी यही निकाल रहे हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, क्या फायदा है, हम ये कब ये करेंगे कब ये करेंगे, मतलब व्हेन विल परफॉर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हेन विल परफॉर्म क्रोमैटोग्राफी। नाउ दीज आर डन बाई सेटअप्स लाइक से जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स विच आर अप्लाइड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। नाउ बाय ऑल दीज थ्री टेक्निक, ऑल दीज टेक्निक्स विच इंक्लूड इलेक्ट्रोफोरेसिस एज वेल एज क्रोमैटोग्राफी, the obtained moieties means after purification are subjected to further processes again I remind you that we'll deal with each and every details of these processes, these techniques. Now let me explain you the further processes.